देखिए, पोलिंग के दिन जो घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इस शांतिप्रिय प्रदेश की शांति भंग करने का जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी समरावता और आसपास के गांव के लोग, एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी के नेतृत्व में मेरे से मिलने आया, और उनका जो कहना है बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की, कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायोचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आदरणीय डॉक्टर क्रूरलाल मीणा जी और मैं सक्षम स्तर पर इसकी चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा वो करेंगे। वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग हैं। उन भोले भाले लोगों को कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुरुपयोग करे, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाए। लोग जनता हमारी है, हम जनता के हैं, इनके साथ न्याय हो, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों तीनों चीजों पर गंभीरता से विचार करें और वहां शांति बनाए रखें। जो भी न्यायोचित होगा, सरकार निश्चित रूप से आम जन के साथ न्याय करेगी। आप ये तो मानेंगे आपका इंटरफेरेंस कर लिया गया है राज्य मंत्री? देखिए, एक तो प्री प्लान्ड घटना हुआ करती है, एक अकस्मात घटना होती है। यह घटना अकस्मात हुई थी, और अकस्मात घटना के बाद जो माहौल खराब हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिस स्तर पर नेग्लिजेंसी, अनदेखी और अपराध को बढ़ावा देने की घटनाएं हुई है या क्रियान्विति हुई है, उन सब लोगों की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, वो 11 बजे सुबह थप्पड़ मारा जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो भीड़ को बुलाने का काम करता है, भीड़ इकट्ठी होने का वहाँ काम हो रही होती है, सर उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई अपराध करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। 60 लोगों को डिटेन किया, जिसमें पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जांच का विषय है और भी लोग जो शामिल होंगे, जो अन्य जिलों से आने की सूचना मिली है। ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं, वहाँ कोई गायन का कार्यक्रम भी था, उसमें भी लोग इधर उधर से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। दो तरह की बात हो गई, एक तरफ तो कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा था, और एक तरफ 7 में ही लोग गाना सुनने के लिए जा रहे थे। इन सारी चीजों की जांच, कौन लोग आए, उसके BTS उठा करके, बाहर के कौन लोग थे, उपद्रव करने वाले कौन लोग थे, ये विस्तृत जांच का विषय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और निर्दोष और बेचारे लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शायद मुझे लगता है कि आपने मेरा बयान सुना नहीं। मैं दौरे पर था, मेरे से कई पत्रकार बंधुओं ने टेलीफोन पर संपर्क किया। मैंने उसी दिन कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग में नहीं झोंके। सभी युवाओं से मेरी अपील है
सभी अधिकारियों से भी मेरी अपील है, मैंने आरएएस अधिकारियों को अपील की थी कि कतई पैन डाउन हड़ताल और काम छोड़ो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सख्त है, जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाने का काम करेंगे। जो नहीं थी तो पुलिस को प्रॉपर एसटीएफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी घटनाओं से निपटने की, फिर पुलिस ने आकर इतनी देरी क्यों? हम पूरी प्रकरण की जांच करके जांच में जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आखिरी सवाल मंत्री जी, वहाँ अपराध जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, आप भी ग्रामीणों की बात भी कह रहे हैं, अपराध करने वाली पुलिस जांच भी पुलिस अधिकारी करेंगे, कैसे न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए आप अपन कैसे कहते हैं, प्रथम दृष्टया ये नहीं कह सकते कि अपराध करने वाली पुलिस है। जैसा ये अपराध गाँव वाले जो कह रहे हैं ये घटना स्थल पर थे, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रकरण की जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होंगे चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार तय करेगी। हम दोनों देखिए, अभी माननीय करुणलाल मीणा जी और मैंने इन ग्रामीणों से चर्चा की है, ये न्यायिक जांच की मांग इन्होंने की है, सक्षम स्तर पर हम चर्चा करके सरकार निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई करेगी, जो आम जन के हित में होगा, निर्दोष लोगों के हित में होगा, वो सरकार निर्णय करके इसमें दूध का दूध पानी का पानी करेगी। पत्रकारों की तरफ से एक मांग आई है, मैं पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाना है, पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ, डॉक्टर करुणलाल मीणा जी स्वयं मौजूद थे, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनको बाहर निकालवा करके इलाज के लिए, यही तो संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कि इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको सवाई माधोपुर पहुंचाने की बात करी। वो हॉस्पिटल में आए तो रात को 11:30 बजे मैं और जोगाराम जी दोनों हॉस्पिटल गए, उनका उचित इलाज हो, और मुझे हॉस्पिटल जाके पता लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही घायल भाई पत्रकारों से टेलीफोन पर बात कर SMS के डॉक्टरों को निर्देश दिए कि इनका उचित इलाज हो। घटना निंदनीय है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला होना कतई बर्दाश्त नहीं है। और जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, मैंने पदभार ग्रहण करने के 10 दिन के भीतर भीतर राजस्थान के पुलिस DG को पत्रकारों की सुरक्षा के उचित प्रबंध करने के लिए स्वयं ने पत्र लिख दिया गया था, जो नीचे तक गया है, उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से, पत्रकार ही नहीं राजस्थान के हर व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारा ध्येय, जिसको करेंगे। पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अपराध करने वाला व्यक्ति है, जिस स्तर का अपराध कर रहा है, उसी स्तर की कार्रवाई चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ होगी।